कविता का शीर्षक है मुझे कुछ कहना है। मुझे कुछ कहना है, यह ज़रूरी है मेरे और तुम्हारे बिगड़ते रिश्ते को लेकर। मुझे कुछ कहना है, यह ज़रूरी है मेरे और तुम्हारे बिगड़ते रिश्ते को लेकर। मुझे पता है तुम नहीं सुनोगी मेरी बात, क्योंकि मैं भी आज तक नहीं सुनते आया जब तुम कहती थी अपनी बात। यह सिलसिला चलता रहा और मैं बहरा बना फिरता रहा आज मैं चीख रहा हूँ, अफसोस तुम्हारी चीखों ने ही तुम्हें भी बहरा बना। काश मैंने निवेदन के हौले स्वर से सुनी होती तुम्हारी बात और समझने की कोशिश करता क्या होना चाहिए तुम्हारे और मेरे बीच में। न तुम अपने चीखों में गुम होती और न मुझे छटपटाहट से ऐसे चीखना पड़ता। सुनो, मुझे कुछ कहना है। एक कविता और निवेदित करता हूँ, शीर्षक है छोटा बड़ा और बड़ा। परिस्थितियाँ बदलेंगी अब वो भी बड़ा होगा। बदला लेगा अपने पर हुए अत्याचार का। सोच में हूँ उस छोटे का क्या होगा। ये छोटा बड़ा क्या है, कौन बनाता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कोई बताएगा। क्यों बड़ा छोटे को प्रताड़ित करता है और दम्भ भरता रहता है अपने बड़े होने का। क्यों नहीं समान सभी, दो आंखें कान नाक सभी तो बराबर हैं। किसी ने कहा इस छोटे बड़े में एक और भेद है। ध्यान से देखिए, आप नाक का नाक तक ही सीमित हैं। छोटी सोच है आपकी। फिर छोटी सोच। मैं तिलमिला गया। ये सोच भी छोटी बड़ी होती है। वह बोला, हाँ, नाक कान आँख के बाद लिंग स्तन और भी अंतर हैं। मुझे अपनी छोटी सोच पर बहुत ग्लानी हुई। मन मंथन करने लगा। वाकई इसमें भी भेद है, इसके कारण भी लोग छोटा बड़ा करते हैं। हीन भावना को जन्म देते हैं। मंथन चल ही रहा था कि प्रसन्न चेहरे से इटलाते हुए किन्नर आ धमकिया। अरे एक वर्ग और भी है, तिरस्कृत उपेक्षित, चेहरे पर तुम्हारी खुशियों की अपार प्रसन्नता लिए जुग जुग जिए तेरा लाल आशीर्वाद देते हुए गली गली। आँख कान नाक स्तन लिए ये भी तो समान है, लेकिन ये क्यों प्रताड़ित हैं, उपेक्षित हैं, क्यों न छोटे हैं न बड़े हैं जी। क्यों न छोटे हैं न बड़े हैं, बल्कि बाड़े से बाहर हैं।